नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के लिए ईएफएम पेपर सेकंड भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत यूनिट संख्या फोर्थ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें जोखिम कैपिटल या जोखिम पूंजी, वेंचर कैपिटल या साहसी पूंजी भी हम इसे कहते हैं, उस चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें आज अपने टॉपिक रहेंगे जोखिम पूंजी की क्या अवधारणा है, कंसेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल, जोखिम पूंजी है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और जोखिम पूंजी के लाभ व दोष कौन कौन से हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वेंचर कैपिटल सामान्य बोलचाल में हम बात करें तो उच्च जोखिम और उच्च प्राथमिक या उच्च प्रतिफल वाली परियोजनाओं में अंश पूंजी की वित्त व्यवस्था एवं परियोजनाओं की सफलता के स्तर पर पहुंचाने में हर प्रकार वित्तीय एवं तकनीकी सहायता करने की क्रिया को साहस पूंजी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि साहस पूंजी से है अभिप्राय विकासोन्मुख या जोखिम पूर्ण लघु एवं मध्यम व्यवसायों में अंश पूंजी एवं अंश पूंजी संबंधी निवेश से है, ताकि उद्यमी अपने संयुक्त उपक्रम के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। कुछ विद्वान जो जोखिम पूंजी है उनमें परिभाषित करते हैं कि सामान्य तौर से जो उच्च जोखिम वाली औद्योगिक एवं व्यावसायिक परियोजनाओं में उच्च प्रतिफल की जो संभावना होती है, जिसमें दीर्घकालीन पूंजी अंश निवेश करने में साहस पूंजी की संज्ञा दी गई है। साहस पूंजी निवेश नवीन पेशेवर कार्यों में, नए व्यवसायों में जिसमें अधिक जोखिम के साथ अधिक लाभ की संभावना होती है, उनमें लंबी अवधि तक अंश पूंजी या अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली ये होती हैं। जोखिम पूंजी की अवधारणा की हम बात करें, कंसेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल की, तो साहस पूंजी की अवधारणा सर्वप्रथम इसका जो उद्गम है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में हुआ 1946 में। जोखिम पूंजी की अवधारणा में इसका जो उद्गम है सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया। सबसे पहला साहस पूंजी संगठन के रूप में अमेरिका रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, जिसमें 100 से अधिक कंपनियों में साहस पूंजी का निवेश किया गया। उसके बाद में साहस पूंजी ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और जापान की अर्थव्यवस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। इसकी कंसेप्ट की बात करें तो भारत में साहस पूंजी का उद्गम देरी से 1972 में 1972 में किया गया, जिसमें भट्टे कमेटी की सिफारिश के आधार पर कमेटी के नए उद्यमियों और टेक्नोलॉजिस्ट जोखिम वाले उद्योगों की व्यवसाय के लिए साहस पूंजी की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। भारत में इसके बाद में स्थापित साहस पूंजी की विभिन्न संस्थाओं के रूप में किया गया, जिसमें रिस्क कैपिटल फाउंडेशन बनाया गया, सीड कैपिटल स्कीम्स और साहस पूंजी योजना का क्रियान्वयन किया गया, प्रोग्राम फॉर एप्लीकेशन ऑफ कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी का काम लिया गया, सरकारी कोष और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं ने। भारत में साहस पूंजी की संरचना में रेगुलेशन एक्ट 1996 के तहत भी इसका क्रियान्वयन किया गया। जोखिम पूंजी के मुख्य जो प्रकारों की हम बात करें तो जोखिम पूंजी के प्रकार में समता भागीदारी, इक्विटी पार्टिसिपेशन, दीर्घकालीन विनियोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रबंध में सहभागिता पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट और स्कोप ऑफ वेंचर कैपिटल को शामिल किया गया। यह तो हो गई यहाँ पर अपनी जोखिम पूंजी की अवधारणा। अब इसी क्रम में कि साहस पूंजी का जो मेन ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करें कि इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं। साहस पूंजी जोखिम कैपिटल में या जोखिम पूंजी है, जिसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं कि देश में घरेलू प्रौद्योगिकी और प्रोत्साहन करना, उसके लिए वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा देना, देश में आधुनिकीकरण या औद्योगिकी नव परिवर्तनों को गति प्रदान करना, देश में या देश के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का
विकास करना, जोखिमपूर्ण उपक्रमों या परियोजनाओं में उद्यमिता को आकर्षित करना, अधिक जोखिम उठाकर अधिक लाभ कमाना, टेक्नोलॉजी का प्रोत्साहन करना, उनका विकास करना, आयातित प्रौद्योगिकी या नव प्रवर्तन में देश की परिस्थितियों के अनुकूल बनाना, देश के तीव्र औद्योगिकरण या आर्थिक विकास में मार्ग प्रशस्त करना, नए प्रतिभाओं या फिर अनेक प्रकार के जोखिम वाली व्यवस्थाओं में वृद्धि करना शामिल किया गया। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, या आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि साहस पूंजी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। साहस पूंजी की विशेषताओं की हम बात करें तो सर्वप्रथम साहस पूंजी में निवेश होता है, एक तो निवेश पे आधारित है, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि साहस पूंजी निवेश के रूप से ही अन्य उपक्रमों के माध्यम से इनको किया जाता है, नवीन प्रौद्योगिकी या नव परिवर्तनों के आधार पर इनका क्रियान्वयन किया जाता है। एक निवेश का स्वरूप इसकी विशेषताओं में, जो निवेश का स्वरूप है वो कैसा है, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका उद्देश्य है, साहस पूंजी का मुख्य उद्देश्य बहिर्गमन अंश पूंजी निवेश से अधिक पूंजीगत लाभ कमाना, ऋणों है नियमित आय प्राप्त करना है। अगला है निरंतर या फिर निरंतर संबंध। निरंतर संबंध भी इसमें महत्वपूर्ण है, कंटिन्यूस रिलेशनशिप। साहस पूंजी अपने द्वारा अंश पूंजी निवेशित उपक्रम में सदैव प्रबंध कौशल या ऋण या अन्य प्रकार का सहारा देकर निरंतर प्रयासरत है, तो ये भी इसमें शामिल है। अगला है सक्रिय सहयोग। साहस पूंजी की ये भी विशेषता है जिसमें सक्रिय सहयोग की भी भागीदारी है, और उच्च जोखिम की उच्च प्रतिफल की प्राप्ति भी इसकी विशेषताओं पाया जाता है। फर्मों की प्रकृति है, फर्मों की प्रकृति, व्यक्तियों का समूह फर्म कहलाता है, तो फर्मों की प्रकृति भी साहस पूंजी की विशेषताओं में शामिल है। एक लिक्विडिटी पाई जाती है, तरलता, जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं, तरलता रूप में भी ये जोखिम पूंजी की एक अहम भागीदारी या अहम भूमिका होती है। नियमन एवं नियंत्रण, नियमन एवं नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा नियमन नियंत्रण इसका होता है। चार चरणों में वित्तीय व्यवस्था या वित्तीय सहायता में इसकी अग्रणी भूमिका रहती है। अब हम बात करें कि साहस पूंजी का क्या महत्व है और क्या लाभ है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साहस पूंजी का महत्व है, साहस पूंजी के महत्व में प्रथम है तीव्र औद्योगिकरण में सहायता, तीव्र औद्योगिकरण में साहस पूंजी के इंपॉर्टेंस में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होता है, तो तीव्र औद्योगिकरण साहस पूंजी के इंपॉर्टेंस में एक अग्रणीय भूमिका है। एक प्रौद्योगिकी का विकास, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही ये कार्य संपादित करने होते हैं। एक उद्यमिता कौशल विकास में सहायता, उद्यमिता कौशल विकास में अहम भूमिका या अहम सहायता इसमें है, क्योंकि कौशल विकास या जो उद्यमी व्यक्ति हैं उनके विकास में इनकी अग्रणीय भूमिका रहती है, उसकी अग्रणीय इम्पोर्टेंस होती है। अगला है आय व रोजगार में वृद्धि, लोगों के आय व रोजगार में वृद्धि में भी एक अहम भागीदारी रहती है। आय व रोजगार में वृद्धि
कि लोगों की आय व रोजगार, रोजगार मिलेगा तो प्रति व्यक्ति आय की बढ़े, आय आय बढ़ेगी, तो इसलिए आय व रोजगार में वृद्धि भी साहस पूंजी के इम्पोर्टेंस में महत्वपूर्ण है। एक पूंजी बाजार के विकास में मदद मिलती है, जो पूंजी जो कैपिटल मार्केट है उसके विकास में भी एक अहम भूमिका होती है। पूंजी बाजार के विकास में, पूंजी बाजार जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है और मुद्रा बाजार में अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ होती हैं, क्योंकि जो साहस पूंजी है ये दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का इसमें क्रय विक्रय किया जाता है, इसलिए पूंजी बाजार के विकास में इसकी अग्रणीय एवं सहायक भूमिका या इम्पोर्टेंस होती है। साहस पूंजी या लघु एवं मध्यम जो प्रथम पीढ़ी के जो उद्यमी हैं उनको मदद मिलती है साहस पूंजी को लाभ, और बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं स्थानीय समूह की संयुक्त साहस को भी इसमें पूर्ण रूप से बढ़ावा रहा है। एक उपभोक्ता को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है, उपभोक्ताओं को लाभ, क्योंकि इसमें उपभोक्ता ही राशि को विनियोजित करते हैं, निवेश करते हैं, तो इसलिए उपभोक्ताओं को एक महत्वपूर्ण लाभ है। उत्पादकों को लाभ, जो प्रोड्यूसर हैं उनमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका या सराहनीय रहती है। अब साहस पूंजी के जो इम्पोर्टेंस हैं ये है, अब सबसे बड़ी इसकी जो कमियां और हानियां दोष इनकी बात करें तो तीव्र औद्योगिकरण में ये सही रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाया है, टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी विकास नहीं हो पाया है साहस पूंजी में। एक उद्यमी जो उद्यमी हैं उनके कौशल विकास सही तरीके से नहीं हो पाया है, ये भी इसमें कमियां रही हैं। रोजगार व आय में व्यक्तियों में वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि ये साहस पूंजी जो है ये मार्केट पर निर्भर करती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण कमियाँ इसमें है। एक पूंजी बाजार के विकास में भी एक अग्रणी भूमिका नहीं रही है, क्योंकि इसमें पूंजी बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का जब क्रय विक्रय होता है तो व्यक्ति अपनी जो निवेश राशि है वो दीर्घकाल या लंबे समय तक नहीं कर पाता है, तो मतलब मुद्रा बाजार में ही इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो ये भी एक कमी है। एक उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिल पाया है, कई बार ये मार्केट पर निर्भर करता है कि वर्तमान में शेयर बाज़ार या शेयर मार्केट किस स्थिति में है, तो ये भी इसकी एक कमियाँ हैं। उत्पादकों को लाभ सही तरीके से नहीं मिल पाया है, ये भी एक कमियाँ है। तो इस प्रकार साहस पूंजी एक अग्रणीय रूप से सीमाओं के रूप में है, क्योंकि जहाँ पर साहस पूंजी के अनेक लाभ भी प्राप्त हुए हैं, कभी कभी यह अनुभव या प्रतिभा के अभाव में परियोजना साहस पूंजी में जो निवेश हुआ है वो असफल रहते हैं, क्योंकि साहस पूंजी साहस पूंजी के रूप में जो कमी आई है वह नए उद्यमियों को एक निराशाजनक स्थिति रही है, क्योंकि इसमें निवेश पूंजी लगी होती है जिससे व्यक्तियों को भारी नुकसान इसमें होता है। तो इस प्रकार से हमने साहस पूंजी के इम्पोर्टेंस में, साहस पूंजी के महत्व में हमने अध्ययन किया। एक तो तीव्र अधिग्रहण में इम्पोर्टेंस रहती है, एक औद्योगिकी नवीन औद्योगिक या टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, उद्यमिता या कौशल विकास में एक अग्रणी भूमिका रही है, आय व रोजगार व्यक्तियों के आय व रोजगार में सहायक भूमिका का निर्वहन हुआ है, पूंजी बाजार विकास में भी मदद मिली है, उपभोक्ताओं को लाभ मिला है, उत्पादकों को लाभ मिला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेनिफिट हुआ है, तो ये इसके इम्पोर्टेंस हैं, काफ़ी इसकी कमियां हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में हमने आज चर्चा की कि साहस पूंजी की क्या अवधारणा थी, साहस पूंजी की कौन कौन सी विशेषताएँ हैं और साहस पूंजी की क्या महत्व और क्या दोष हैं। इसी क्रम में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे भारत में वित्तीय क्षेत्र हेतु सुधार, जिसमें नरसिंह कमेटी की क्या क्या सुधार रहे हैं, उसके सुधार हेतु सुझाव कौन से हैं और कौन सी कमियां रही हैं, वो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच।